नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। इस वक्त की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में 45 से भी ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए का टेरर फंडिंग केस में ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी जेईआई के ठिकानों पर जम्मू कश्मीर में कई जगह छापे मारे हैं। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने नया मामला दर्ज किया है। वहीं सीआरपीएफ के साथ 45 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है, जिसमें जेईआई के वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं। नौगाम में फलाहे आम ट्रस्ट पर भी छापेमारी की बात कही जा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में जमात इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए बैन यानी कि प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चल रही थी। इससे पहले 31 जुलाई को भी आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई लश्करे मुस्तफा सरगना हिदायतुल्ला मलिक की गिरफ्तारी और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले से पहले 5 किलो आईईडी की बरामदगी से जुड़े मामले में की गई थी। तो अब एक बार फिर से एनआईए का एक्शन जारी है और जमात इस्लामी संगठन पर यह कार्रवाई की जा रही है। एनआईए का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन यह बताया जा रहा है और 45 से भी ज्यादा जगहों पर एक साथ ये कार्रवाई की जा रही है। सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों के साथ ये कार्रवाई की जा रही है और टेरर फंडिंग मामले में ये अब तक की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में जमात इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जानकारी ये मिल रही थी, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहां से जानकारी आ रही थी कि अभी तक भी ये संगठन जो है वो अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से चालू रखे हुए हैं। इसी को लेकर अब एक बार फिर से टेरर फंडिंग को लेकर ये कार्रवाई सामने आई है। बड़ी कार्रवाई, 45 से ज्यादा ठिकानों पर ये एक साथ छापेमारी चल रही है। सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा के साथ ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और एक तरफ जब घाटी को धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, स्थितियां सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले तो मुद्दे पर वापस लौटते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई चल रही है और जो एनआईए है उसकी तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। 45 से भी ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जमात इस्लामी संगठन में जो है टेरर फंडिंग की बात सामने आई है और उसी को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2019 में प्रतिबंध लगने के बावजूद भी ये जमात इस्लामी संगठन लगातार अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रखे हुए था। अब इसके बाद जब घाटी में शांति व्यवस्था की बात कही जा रही है, पत्थरबाजी की घटनाओं में जब कमी आ रही है और इसी के साथ आतंकवादी भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो जमात इस्लामी है उसकी तरफ से समाज विरोधी देश विरोधी गतिविधियां जो हैं वो चालू रखी जा रही थी, इसी को लेकर ये बड़ी छापेमारी की जा रही है। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक और डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दिलीप और अनिल जी, आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं अनिल गौर जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, 45 जगहों पर ये छापेमारी एक साथ की जा रही है, किस लिहाज से देखा जाए एक डिफेंस एक्सपर्ट के नजरिए से? जो जमात इस्लामिया है वो एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कश्मीर घाटी के अंदर के अलावा जहां पे भी ये सक्रिय है वहां पे इनका एक ही मकसद है कि फंडामेंटलिज्म जो है और एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा है वो बच्चों को सिखाना, लोगों को सिखाना और उनको भारत के खिलाफ भड़का जी। फंडिंग जो है ये सारी की सारी जो है वो भारतीय ओपिनियन, पाकिस्तान है, दुबई है, तुर्की है, मिडिल ईस्ट है, जितने ये वहां पे फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो काटे इसको पैसा देख देते और इनसे अपना जाल पूरा बिछाया हुआ था। देखिए ये जो है जमात इस्लामिया
मदरसे भी चलाती थी और मदरसों से आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो मासूम बच्चे इनोसेंट बच्चे होते हैं उस टाइम से इनको एंटी इंडिया एंटी हिंदू एंटी रिलीजन वो सिखाना शुरू कर देते हैं ताकि वो बच्चे ऐसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं और वही क्योंकि मदरसों में से ही कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मिलिटेंसी को अपना लेते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिसका बैन तो किया था पर उसके बाद में हुआ क्या जब इसको जगमोहन पहले जगमोहन जी ने बैन किया था इसको जब जगमोहन जी गवर्नर थे तो उसके बाद से इन्होंने जगमोहन जी ने बैन कर दी जितने इनके मदरसों के टीचर वगैरह सारे थे इन सबको उनको निकाल दिया था पर जब पॉपुलर गवर्नमेंट आई उसके बाद में उन्होंने इन टीचरों को गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भर्ती कर लिया और टैक्स पेयर मनी के साथ में जो तनख्वाह मिल रही थी उसके और एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और एंटी जगमोहन बाकी रिलीजन प्रोपेगेंडा जो है प्रो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो भी चलाते रहे हैं और यही लोग हैं जो मेन कारण है जो आपके बच्चों का पत्थरबाजी का और जो बाकी लोगों का आपने देखा पीछे भी अभी कई बार इन्होंने जो है यहाँ पे पकड़े थे टीचर्स जो कुछ टीचर्स ऐसे पकड़े थे और उनको निकाला भी है जो बच्चों को यही सिखा रहे थे कि आपने क्या करना है पत्थर मारिए आप तो हम आपको नंबर भी देंगे जहां तक नौबत आ गई थी तो अब जो ये कार्रवाई हुई है मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी कार्रवाई है और अभी भी और कार्रवाई करने की जरूरत है क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड बस्तर जो है सारे वो जब तक आप कृष्ण घाटी के अंदर उनको जब तक नहीं उनको पकड़ेंगे और उनको अरेस्ट करके उनको जेल नहीं भेजेंगे तब तक ये जो मिलिटेंसी का जो बीच है ये बंद करना इसको खत्म करना मुश्किल रहेगा तो इसलिए गवर्नमेंट तो यही है कि आज एनडीए अंदर हुई है अभी और चाहिए और एक ताकत होनी चाहिए जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जैसे अभी जिन्होंने 11 निकाले थे ऐसे भी और गवर्नमेंट सर्वेंट है जितने लोग जो है बैकडोर से भर्ती हुए हुए इतने सालों से ये मैं कहूंगा 90 से पहले भी कुछ भर्ती हुए हैं ऐसे जिनकी आइडियोलॉजी तो है वो ऐसी आइडियोलॉजी है कि प्रो पाकिस्तान प्रो एंटी इंडिया और वो गवर्नमेंट से पैसे टैक्स पेयर मनी से पैसा लेते हैं रहते हैं बड़े खाट से रह रहे हैं और ऐसी प्रमोशन भी मिल जाती है उनको तो ये जो लोग हैं सारे इन सब के सब शिनाख्त करके गवर्नमेंट को इनको सबको जेल के अंदर बंद करना चाहिए और तभी जाके ये जो सारा माशरा खराब हुआ है ये सारा का सारा सुधरेगा। दिलीप यशवर्धन जी आपके पास आते हुए जिस तरीके से अब ये कार्रवाई एक साथ शुरू हो रही है इससे पहले जम्मू कश्मीर के लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और बात ये की जा रही थी कि जल्दी ही अब घाटी और जम्मू दोनों जगह हालात सामान्य हो जाएंगे और इलेक्शन का प्रोसेस भी जो विधानसभा स्तर का है वो भी शुरू हो सकता है। क्या वो तैयारियाँ हो रही हैं इसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है? योगेश जी ये जो टेररिज्म की जड़ें हैं ये जड़ें हिंदुस्तान की जमीन में बहुत अंदर तक घुस चुकी हैं और जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज की जड़ें लंबी हो जाती हैं तो उसका बीज आज नहीं पड़ा होता है बीज सदियों पहले पड़ा होता है। ये टेररिज्म का जो बीज है ये हिंदुस्तान में आज़ादी के समय उसके पहले से बोया जा रहा था और जब हिंदुस्तान का सेपरेशन हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग बना दिए गए उसी समय अगर कानून को और मजबूत करके इस बात को पुख्ता कर दिया गया होता कि सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे सारे हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे तो शायद झगड़े की जड़ कम हो गई होती लेकिन उस समय पता नहीं किन राजनीतिक कारणों से किन राजनीतिक मजबूरियों से इस बात को जिंदा रखा गया और झगड़े के लिए कश्मीर छोड़ दिया गया और बहुत सारी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करी और वहीं से टेररिज्म ने जन्म लेना शुरू किया और उसके बाद स्थिति ये बन गई कि भारत के खिलाफ बहुत सारे देश हैं जिसमें चाइना है पाकिस्तान है ये मुख्यतः रूप से हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। टेररिज्म के सपोर्ट से जो हमारे देश के जो कश्मीर अभी आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद कश्मीर भारत का अंग बन गया पहले कश्मीर का झंडा अलग होता था कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता था कश्मीर एक अलग अलग स्टेट कहलाता था वो अब भारत का अंग बन गया उसकी वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और वहाँ के जो लोकल नेता थे जो टेररिज्म को सपोर्ट करते थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई वो दिक्कतें होने से जो टेरर फंडिंग है उस पर भी फर्क पड़ा टेरर एक्टिविटीज में भी फर्क पड़ा और उनकी जो अपनी अभी जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जो भारत के टैक्स पेयर का पैसा है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खराब होता है तो बहुत सारा टैक्स पेयर मनी जो है वो कश्मीर के मेंटेनेंस पे लगा रहता था
और वो कश्मीर के मेंटेनेंस में सो कॉल्ड मेंटेनेंस होता था, लेकिन वो मेंटेनेंस एक्चुअल में टेररिज्म का होता था। वो चीजें धीरे 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 खत्म हो रही हैं और इससे फर्क ये पड़ रहा है कि वहां पर जो टेररिस्ट की गतिविधियां थी वो कम हो रही हैं और वहां पर हिंदुस्तान जन्म ले रहा है, हिंदुस्तान जन्म ले रहा है, हिंदुस्तान बड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये उन लोगों को नहीं अच्छा लगेगा जो हिंदुस्तान की खिलाफत करते हैं। दिलीप जी, योगेश जी से मुलाकात आपकी शाम को होगी, फिलहाल मैं पवन पांडे आपके साथ रूबरू हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास। अनिल जी, ये जो कार्रवाई हो रही है इसको क्या राजनीतिक चश्मे से देखा जाना कि चुनाव होने वाले हैं और इसी तरीके की कुछ अब वहाँ पर गोटियाँ सेट की जा रही हैं और जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर ऐसे संगठनों से मदद मिलती रही है, तो क्या पहले जड़ें काटने का काम हो रहा है? पांडे जी, जड़ें काटने का काम तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो बीज काट रहे, जड़ें काट रहे नहीं, ये तो पूरा का पूरा जहां से ये पूरा पेड़ उखाड़ने का काम हो रहा है और ये काम बहुत जरूरी है। देखिए, कश्मीर घाटी के अंदर ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कश्मीर पॉलिटिकल बेस्ड पार्टीज हैं, वो बार बार इन लोगों से जो है मदद लेती थी और ये अब साबित हो गया है। आप देखिए, अभी भी पीडीपी के जो है वो जो परा है, परा को अभी एनआईए ने अंदर बंद किया हुआ है क्योंकि 5 करोड़ रुपया वो दे रहा था अपने लोगों को। भी आप बताइए जी, आप जब बुरहानवानी की डेथ हुई, जब बुरहानवानी मारा गया तो और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आज हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड पड़ी हुई है और एनआईए की छापेमारी 45 जगहों पर एक साथ की जा रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान अनिल गौर, डिफेंस एक्सपर्ट, और दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। अनिल जी, आप अपना जवाब पूरा करिए कि क्या चुनावों का माहौल बनाने के लिए पहले जो टेरर फंडिंग है उसकी जड़ें काटी जा रही हैं इस तरीके की कार्रवाइयों के द्वारा? पांडे जी, देखिए, टेरर ये जो चुनावों के मद्देनजर रखते हुए ये नहीं हो रहा, ये बड़ी देर से कार्रवाई चल रही थी और ये इसमें सबसे बड़ा बाधा जो आ रहा था वो आ रहा था जो भी यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट बनती थी वो ऐसी कार्रवाई होने नहीं देती थी और कई ऐसे ऐसे भी मौके आए जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी उनको लीक कर दी गई और इसीलिए ये जो अब जब आर्टिकल 370 मैं कहूंगा 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 और 37 से वर्गेट हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ये फैसला कर लिया है कि भाई आपने जो है जितनी कार्रवाई है आपने उसके खिलाफ जो है जो भी टेरर फंडिंग में है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर है, चाहे अंडरग्राउंड वर्कर है, इन सबको, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, इन सबको जो है पकड़ करके उनको अंदर करना है। आप देखिए, ये 2019 से पहले जब बॉर्डरेशन से पहले एक वो डीएसपी जो है देविंदर, वो भी पकड़ा गया और वो मिलिटेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, तो ये नौबत आ गई थी। अब जो कार्रवाई हो रही है इसको हम एक जो राजनीतिक मैं कहूंगा चश्मे से नहीं देखना चाहिए, हमें हमें इसमें ये देखना चाहिए कि ये जो कार्रवाई है कितनी जरूरी है अपनी हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए। आप देखिए, 26/11 जब हुआ था यूएसए के अंदर तो उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई और उसके बाद में कोई भी ऐसा बड़ा वाकया नहीं हुआ वहां पे। हमने भी बाद में जब हमारा जो 9/11 हुआ उसके बाद बनाया, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जम्मू कश्मीर में ये आ रही थी कि यहाँ पे जो है ये इतना ये जड़े मैं कहूंगा इसकी इतनी लंबी हो गई थी क्योंकि जैसे मैं पहले बता रहा था, देखिए जम्मू जी ने ये जमात इस्लामी के मदरसे वगैरह सारे बंद किए, इनको सारे डिस्बैंड कर दिया टीचर्स को, पर पॉपुलर गवर्नमेंट ने इन्हीं टीचरों को फिर लगा दिया स्कूल में। इसका मतलब वो जो बीज बोने वाला माली था वो माली को फिर आपने लगा दिया उधर बच्चों को जो है दिमाग खराब करने के लिए, बच्चों को उनको गुमराह करने के लिए। तो ये कार्रवाई चलती रही और उसके बाद में ये जितनी पॉपुलर गवर्नमेंट आई चाहे जो मर्जी चाहे
सबका सब जो है इनका मदद लेते रहे, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे है, चाहे वो जमात इस्लामी है, ये सब उनको फीड करते रहे हैं, उनको पैसे देते रहे हैं। और ये अब एनआईए ने साबित कर भी दिया, जिस हिसाब से मनी ट्रेल के हिसाब से जब एनआईए ने ये जब सारी ये अपनी इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके अंदर आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग सारे अब सामने आ गए। अब तो इवन ये जो मैं कहूँगा पीडीपी के लोग हैं, महबूबा मुफ्ती जी, उनकी मदर को भी बुला लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में ऐसी एंट्री आई है। तो ये जो चीज हो रही थी, इसकी धड़ल्ले से हो रही थी यहाँ पे, ये तो हर कोई जो है वो यही कहता सोचता था कि हम तो जवाई है हिंदुस्तान के, हमारे को तो कोई हाथ डाल नहीं सकता। तो ये कार्रवाई जो है ये बड़ी जरूरी है, और जब तक ये सारे जो है मैं कहूंगा ये जड़े को जब पेड़ जब तक उनका पूरा का पूरा उखाड़ नहीं लेते, तब उससे पहले यहाँ पे ना तो कोई इलेक्शन कराना चाहिए और ना ही कोई पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए। जो जब पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाएगी फिर वो हाल वो करेगी जो पहले था, क्योंकि बार बार हमने ये देखा जब भी गवर्नर रूल आता था यहाँ पे स्थिति जो है वो सुधरती थी, लोग अंदर होते थे जो सारे उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, और जैसे पॉपुलर गवर्नमेंट आती थी वो सारा का सारा उसको उल्टफेर कर देती थी। तो ये कार्रवाई फिर वही हम कहते हैं ना, वो वापस उसी जगह आगे खड़े हो जाते थे जहाँ से चले थे। तो ये इतने सालों से यही चलता रहा है। अब इसी चक्कर में देखिए जी, हमने की वहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी है, हमने वो करना, हम ये डेमोक्रेसी के मैं कहूंगा उसके आड़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं यहाँ पड़ रही थी, यहाँ थियोक्रेसी चल रही थी, यहाँ डायनेस्टी रूल था, यहाँ पे सरासर लोगों को नौकरियां मिलती थी बिना इंटरव्यू के, और उसको मिलती थी जो उनकी भाषा सुनता था, जो उनका रिश्तेदार था। यहाँ पे आप अगर आज भी एनआईए अगर ये इन्वेस्टिगेशन करे तो कितने लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनका रूप क्या है, ये किस हिसाब से अपॉइंट हुए, आप ठीक है। अनिल जी वापस लौटते हैं आपके पास, इस बीच ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से वहां पर कार्रवाइयां अभी चल रही है, लगातार बताया जा रहा है कि 45 जगहों पर एक साथ रेड मारी जा रही है, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? और कभी भी जब कार्रवाइयां इस तरीके की होती थी तो उस तरीके से पत्थरबाज निकल आते थे, अब फिलहाल वहां पर करंट सिनेरियो क्या है? देखिए, आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के 9 जिले जो हैं वहां पर एनआईए की रेड चल रही है, टेरर फंडिंग का मामला सामने नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जाए कि लगातार टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में अब कोई पत्थरबाज अभी तक जो है वो बाहर नहीं आया है। ये दर्शाता है कश्मीर घाटी की जो फिजा है वो बदल रही है, भारत के प्रति अब लोगों को प्यार जो है वो सामने नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो चुनी हुई सरकारें थी वो लगातार ऐसी उन्होंने परिस्थितियां बना रखी थी कि यहाँ पर आतंकवाद का बोलबाला था, और लगातार ये कोशिशें होती थी कि किसी ना किसी तरीके से उनकी जो फंडिंग है इन चुनावों में इस्तेमाल भी होती रही है। तो कहा जाए आज जिस प्रकार से बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, इसको देखते हुए जो है एनआईए लगातार कार्रवाई जो है वो कर रही है। जमायत इस्लामी जो है 2019 में ही उसको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था, अब फलाहे ट्रस्ट जो है उसके उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी एनआईए जो है कार्रवाई कर रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। दलीप विश्वर्धन जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 1975 में भी इसको 2 साल के लिए बैन किया गया था, उस समय तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया, फिर 1990 में इस पर बैन लगाया गया, वो केंद्र सरकार ने किया, 3 साल तक ये बैन रहा, लेकिन अभी भी जड़ें तो बाकी हैं, अभी भी बैन के बाद भी उनकी गतिविधियां चलती रही हैं। पैसा और पॉलिटिक्स ये दो ऐसी चीजें हैं जो टेररिज्म को हमेशा सपोर्ट करती हैं। पैसा देश के अंदर जो देश के बाहर से कहीं से भी आ सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ देश की है जो इस टेररिज्म को सपोर्ट करती है, और इन तीनों ही दोनों ही चीजों पर अगर कंट्रोल कर सकता है तो वो है आपका कानून।
कानून का मतलब ये है कि जो भारत में डिफरेंट डिफरेंट तरीके कानून है जिन्होंने इन मदरसों को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ऑपरेट होने की परमिशन दे रखी है, जहाँ पर मदरसों में इस तरह के टेररिज्म को पढ़ाया जाता है, जहाँ पर इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, इन चीजों पर जब तक कर्व नहीं लगाया जाएगा तब तक ये चीजें रोकना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि NIA मान लीजिए जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या जो भी हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये जहां जहां पर कोशिश करते हैं, जहां जहां पर पकड़ सकते हैं पकड़ लेते हैं, लेकिन वो गतिविधियां जो बहुत अंदरूनी रूप से चल रही हैं उनको पकड़ पाना इन एजेंसीज के लिए नामुमकिन हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है। जब तक आर्टिकल 370 था हिंदुस्तान के अंदर, तब तक वहां पर पॉलिटिकल फिल्टर बहुत ज्यादा था। ये एजेंसीज या आर्मी चाह करके भी वहां पर इंटरनल कार्यवाही नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है कि सेंटर को अलग पावर है, स्टेट को अलग पावर है, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो स्टेट अगर परमिशन नहीं देगा तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या सेंटर उसके अंदर वो कार्यवाही नहीं कर सकती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कम से कम ये सारी बाइंडिंग हट गई है। आज आर्मी को पावर है, NIA को पावर है, और ये तब तक नहीं खत्म हो सकता है जब तक आप इसको रूट में जाकर के खत्म नहीं करेंगे। और रूट में खत्म तभी हो सकता है जब आप पॉलिटिकल सपोर्ट और लीगल स्ट्रांगनेस और लीगल कंप्लायंसेस को स्ट्रिक्ट कर। एक साथ 45 जगहों पर 14 जिलों में ये कार्रवाई हो रही है और पत्थरबाजी का हमारे जो संवाददाता हैं ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं कि एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। ये कितनी बड़ी तैयारी मानते हैं आप केंद्र सरकार की तरफ से? कई बार देखिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है वो हमेशा इन्फॉर्मेशन पे काम करती है और इन्फॉर्मेशन कई बार मिसलीडिंग भी होती है। जैसे ये जो एजेंसीज हैं, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये इन एजेंसीज को मिसलीड करने की भी कोशिश करते हैं। कहीं पर अगर एक्टिविटी करनी होगी तो ये जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर देंगे ताकि किसी एजेंसीज हैं उनकी सारी की सारी ताकत उस जगह पे लग जाए और ये कहीं और जाकर के अंजाम देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है, हमारी जो एजेंसीज की ताकत, उस ताकत को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज हम इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर गए हैं, इतना ज्यादा साइंटिफिकली डेवलप कर गए हैं, और इतने सारे डेवलपमेंट के बाद अगर टेररिस्ट या जो 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 इलीगल लोग हैं वो हमसे आगे चल रहे हैं तो यहाँ पर सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। और शहर के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में एक्टिविटीज चल रही है तो मैं ये नहीं मान सकता कि सरकार के पास ऐसी ताकत नहीं है कि इनको ढूंढ के निकाल ना सके। यहाँ पर कई बार पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, प्लस टेरर से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी जुड़े हुए हैं। अगर आज आप टेररिज्म पे बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई कर देंगे या टेररिज्म को लेकर के पाकिस्तान या चाइना से कोई डायलॉग एस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो वो एक इंटरनेशनल मैटर बन जाएगा। तो ये एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड मैटर है जहां पर सरकार को कार्यवाही भी करनी है, कड़ाई भी करनी है, और सारी इंटरनेशनल पैरामीटर्स को भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि इंटरनल डिस्प्यूट को सेटल करते करते कहीं कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट खड़ा हो जाए। ठीक है, ठीक है। अनिल कौर जी, एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते आप किस नजरिए से देखेंगे, क्योंकि 1975 में भी पहले इस पर बैन लगाया गया, उसके बाद 1990 में बैन लगाया गया और अभी 2019 में भी बैन लगाया गया, लेकिन इनकी गतिविधियां अभी भी जारी हैं। ये जो सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हैं इनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई अब तक हुई नहीं, जमात इस्लामी पर ये बड़ी कार्रवाई चल रही है? बात ये है, देखिए बैन आप लगा देते हैं पर ऑन ग्राउंड जो कार्रवाई है वो हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने करनी होती है। अभी अफसोस की बात यह है, देखिए जब भी बैन लगता था इसके ऊपर उसके बाद में ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट बनती थी ये सारा का सारा जितना किया कराया वो सारा का सारा वो मिट्टी में डाल देते थे लोगों को वहां से छोड़ के। मैं आपको इतना बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो मदरसे के जो टीचर थे इनको पॉपुलर गवर्नमेंट ने, जगमोहन जी ने जब इनको बर्खास्त किया, बंद कराए, वहां से निकाल के फिर गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट पैसा, टैक्सपेयर पैसा, वो लेके बिठा दिया इनको। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिलसिला है ये देखिए ये 70 साल से चले जा रहा है, क्योंकि जब आपने, मैं इसकी जड़ें जो है बहुत पुरानी है, ये 47 से जड़े हैं। जब आपने एक इंसान को पॉपुलर उसको बना के उसको ऐसा खड़ा कर दिया कि जो ये कहता है बिल्कुल सही कहता है, और बाद में फिर उसको आपको अंदर करना पड़ा, शेख अब्दुल्ला को, फिर नेहरू साहब को अंदर करना पड़ा उसको, क्यों क्योंकि वो कहते हैं। इस वक्त छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, बने रहिए NB न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास वापस लौटना चाहूंगा अनिल जी, आप अपना जवाब पूरा करें। तो मैं बता रहा था कि देखिए, जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट जो आती है वो फिर इनको क्यों, क्योंकि ये 47 से चलता आया है। ये इनका जो रिश्ता है, ये बेसिकली एक ब्लैकमेल करने का तरीका है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को कि भाई आप हमें ये चीज दीजिए, नहीं तो हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वहां से ये लोग खुद जो है ऐसे ये सिचुएशन क्रिएट करते थे कि फिर हिंदुस्तान गवर्नमेंट से क्या होता था कि भाई वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी, इनको पैसा दे दो जी, वहां पे इनको इनको इस चीज के लिए पैसा। अच्छा, अब वो पैसा का क्या होता था, वो पैसा बजाय इसके कि डेवलपमेंट वर्क्स के ऊपर खर्चा जाए, उसके ऊपर जो जिस चीज के लिए प्रोजेक्ट के लिए दिया जाए, दिया गया है उसके ऊपर खर्चा जाए, वो वहां से साइफन ऑफ हो जाता था। तो ये कार्रवाई चलती रही है और इसके लिए आप देखिए आज आप हालत ये हो गई है कि आपके पास जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना होता है हर प्रोजेक्ट का, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में नाकाम है जी ये इधर के ऑफिशियल्स। क्यों? क्योंकि वो पैसा लगा ही नहीं उधर। अच्छा, अब मैं ये देखिए, अगर आप शुरू से देखते आइए, जो जितनी रिक्रूटमेंट भी होती थी वो सारी इसी हिसाब से होती थी। तो अब जो है कार्रवाई, ये जब से आर्टिकल 370 जो हट गया है, वो एक जो आड़ थी इनके पास, एक जो दीवार थी कि देखिए जी हम आर्टिकल 370 के खिलाफ के अंदर हैं, हमारे का हम तो जो आप डिसीजन जो मर्जी ले लीजिए, हमने इसको पास करना असेंबली में, हम इंप्लीमेंट कराएंगे। तो उससे क्या था कि ये इन्होंने एक ऐसा एक हवा बना दिया था कि जी हम जो चाहेंगे यहाँ करेंगे और हम हिंदुस्तान को आजादी के नाम पे ब्लैकमेल करते रहेंगे। और आप देख लीजिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बार बार जब वो सत्ता में होती है तो वो कुछ कहती है, जैसे सत्ता से हटती है तो वो बस शुरू हो जाती है आजादी का अलग। तो ये जो चीजें हैं ये चलती रही हैं। तो अब जाके जो है, अब इस जो 70 साल से जो कार्रवाई हो रही थी उसको खत्म करने के लिए मेरे हिसाब से अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये कार्रवाई और इसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये पूरा पौधा जो है इसकी जड़ें निकाल के इसको फेंक नहीं देंगे, तब तक ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि देखिए, ये जो बार बार कहते हैं कि जी ये कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी इंटरनेशनलाइज है। आपका कश्मीर का जो है आधा जो हिस्सा है वो तो पाकिस्तान ने है, ठीक है नहीं, पीओके के पास है, फिर वहां से चाइना ने लिया हुआ है और इंटरनेशनल तो हो ही गया वो। तो हम किस बात के लिए कहते हैं जी हमने इसको डिस्कस नहीं करना, हमने क्या, हमें पुरजोर से है ये इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए कि भैया देखिए, यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन भी जो है वो हमारे फेवर में है। उसमें उसने कहा है कि जो पाकिस्तान है वो अग्रेसर है और उसको वैकेट करना है वो टेरिटरी। हाँ, पहला स्टेप जो है वो पाकिस्तान को ही लेना है, उसके बाद भारत के स्टेप पर जो है वो बात आती है। वापस लौटेंगे आपके पास अनिल जी। रविंद्र जी, जिस तरीके से वहां पर जब छापेमारी और कार्रवाइयां होती थी तो वहां की पार्टियां वो भी हो हल्ला मचाने लगती थी कि यहां पर जो है वो अशांति क्रिएट की जा रही है और राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, क्या कोई प्रतिक्रिया इस तरीके की अभी तक आई है? जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है, अलबत्त छापेमारी जारी है क्योंकि टेरर फंडिंग का मामला जो है वो सामने आया है और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं, पार्टियां जब यहाँ पर जो चुनी हुई सरकारें होती थी, किसी प्रकार की अगर कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से होती थी तो उसको लेकर पार्टियां जो है होल हल्ला करती थी। खास करके मैं पीडीपी की बात करूंगा, पीडीपी बहुत ज्यादा, खास करके महबूबा मुफ्ती जो है उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बोली बोलती रही है। तो अगर ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से कार्रवाई करती थी तो महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अब जब से 370 को उठाया गया है उसके बाद से इन पार्टियां जो हैं ये खामोश हैं, और हालांकि समय समय पर ये अपना मुंह खोलती हैं लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, किसी भी पार्टी की तरफ से ना तो कोई आपत्ति उठाई गई, ना कोई पत्थरबाज अभी तक निकल कर सामने आया, और अलबत्ता अगर बात की जाए तो
पत्थरबाजी की घटनाओं में बहुत कमी आई है। 2019 में 618 घटनाएं हुई थी, 2020 में 222 और 2021 की बात करें तो अब तक सिर्फ 76 घटनाएं ही हुई हैं। कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं, और अगर एक अनुमानित समय देखा जाए तो उस अनुमानित समय में क्या यहां पर फिर से इलेक्शन वाली प्रक्रिया विधानसभा स्तर पर शुरू हो सकती है, जो मैंने आपसे पहले एक बार पूछा था? दिलीप जी, कारण है, मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत बड़ा रीजन होता है इन टेररिज्म को डेवलप करने के लिए। जब से आर्टिकल 370 वहां से रिमूव किया गया है, स्पेशल स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यूनियन टेरिटरी बन जाने का मतलब है कि वो अब केंद्र के अधीन हो गया है और वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट में पावर होती है वो पावर अब वहां की पार्टी के पास नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज वहां पत्थरबाजी नहीं हो रही है या किसी भी तरीके से की कार्यवाही में जो लोकल एजेंसी, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं हो पा रहा है, कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने एक लीगल बेस दे करके वहां की जो पॉलिटिकल पावर थी उसको खत्म कर दिया। ये सेंटर का एक बहुत बड़ा मूव था, आर्टिकल 370 बहुत बड़ा कारण था वहां पर टेररिज्म को पलने और पढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए। वो रूट आपने खत्म कर दिया। वो रूट खत्म हो जाने से वहां पर जो लीगल रूप से चीजें थी वो डेवलप करने लगी। अब वहां पर आप थोड़े समय बाद देखिएगा, जो आपका सवाल है, थोड़े समय बाद आप ये देखिएगा कि वहां पर इलेक्शंस भी बहुत हेल्दी रूप से होंगे, वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत हेल्दी रूप से होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब सेंटर के हाथ में है। वरना क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस तरीके से है कि बहुत सारी पावर स्टेट के हाथ में होती है और अगर वहां पर कुछ गलत हो रहा है और सेंटर या कोई भी आर्मी या कोई भी एजेंसी वहां पर एक्शन लेना चाहती है और स्टेट की पॉलिटिकल सपोर्ट अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम उसमें केंद्र उसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। वो जो लीगल हिंडरेंस था वो वहां से खत्म हो गया है। तो अब वहां से लोकल पार्टी भी, चाहे जिसमें जीडीपी का नाम मुख्य रूप से आता है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उनके जो भी लोग थे, अब जो पॉलिटिकल पावर वो खत्म हो गई है तो उनका जो भी फिर था वो चल नहीं पा रहा है। इसीलिए उनके जो नेक्सस थे वो नेक्सस में अब पॉलिटिकल पावर नहीं रह गए हैं, इसीलिए वहाँ एंट्रेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा। आप देखिए लाल चौक पर इस समय तिरंगा लहर रहा है, की लाइट जल रही है, जहाँ पर कभी अलग शास्त्र का झंडा हुआ करता था, आर्मी पे पत्थर मारे जाते थे, ये सारे का सारा खत्म होने का सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे करके इन चीजों को बढ़ाया जा रहा था, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को खत्म करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना करके सेंटर के अधीन ला करके वहां पर बहुत सारे लीगल जी। एक विषय और, मैं माफी के साथ आपको बीच में टोक रहा हूं, एक विषय इसमें और भी है, परसीमन की बात चल रही है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जो पूरा राज्य है, जम्मू में सीटों की संख्या कम है, कश्मीर में ज्यादा है। एक बार फिर से परसीमन करके इस पूरे आंकड़े को बदला जा रहा है, इस पूरे स्वरूप को बदलने की बात कही जा रही है। क्या इन छापों का, इन कार्रवाइयों का, क्योंकि वो परसीमन के दौरान अगर वो कार्रवाई होगी तो यही रूट लेवल से जो लोग निकलते हैं और उपद्रव फैलाते हैं, तो ये कार्रवाई भी सहायक होगी? देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, परसीमन चेंज करने की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हमारे सेंटर को, हमारे संसद को दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रावधान है कि जब जैसी जरूरत होगी उन जरूरतों के हिसाब से हमारी स्टेट की या जो सांसदी की बाउंड्रीज है उनको चेंज किया जा सकता है। ये बाउंड्रीज चेंज होना जरूरी भी है क्योंकि, और इस चेंज से पहले ये जो कार्यवाही हो रही है एनआईए की, 45 जगहों पर छापे पड़ रहे हैं, जो टेरर एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत जरूरी और बहुत जरूरी के साथ साथ ये भी कि आपको अंदर की इंफॉर्मेशन मिलकर के मिलेगी कि कहां कहां पर ये गतिविधियां ज्यादा जड़े जमा करके बैठती हैं, क्योंकि वहां पर जब भी आप कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट करेंगे तो आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि वहां के सिविलियंस को या वहां के नेटिव्स को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हर आदमी टेररिस्ट नहीं है, कश्मीर में रहने वाला हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। ये टेररिस्ट एक अलग तरह की जाति है कि जब मारती है तो हिंदू भी नहीं देखती और मुसलमान भी नहीं देखती है। जब ये बम फेंकती है तो बम से कौन मरेगा ये इनका टारगेट नहीं होता, इन्हें इंसानियत को मारना होता है। तो वो इंसानियत ना मरे, वहाँ के लोकल नेटिव्स पर कहीं कोई दिक्कत ना आए, ये सारी बातें इंश्योर करना भी सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। और उन्हीं जिम्मेदारियों के तहत ये जो छापेमारी हो रही है, इसके डबल मीनिंग है। एक तो ये है कि जो एक्टिविटीज चल रही है उनको गर्व किया जाए, उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जाए, और इससे आगे के सार मिले।
उन तारों की स्टडी करके वो जड़ें कहां पर, उन जड़ों तक पहुंच करके उसको खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। एटलीस्ट जो हिंदुस्तान की बाउंड्री है, इस हिंदुस्तान की बाउंड्री में जहां भी ये जड़ें होंगी उनको खत्म करने की पावर हिंदुस्तानी सरकार के पास है। हिंदुस्तान की बाउंड्री के बाहर जब जाएगा तो उसको कैसे खत्म करना जाएगा, ये एक इंटरनेशनल कूटनीति के तहत बात चलेगी। और इसको धीरे धीरे मुझे लगता है कि आज सरकार है वो इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि टेररिज्म को कहीं से तर्क किया जाए, इसकी जड़ों को कमजोर किया जाए, इसकी नसों को कमजोर किया जाए और उसको हिंदुस्तान से निकाल फेंका जाए और इस पर धीरे धीरे कामयाबी मिले। क्योंकि इतना ज्यादा देखिए टेररिज्म को पढ़ना खाली एक टेररिज्म एक्टिविटीज ही नहीं होती है, जैसा मैंने पहले कहा था कि पॉलिटिकल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट ये बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण से इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कई बार ऐसा होता है कि आर्मी टेररिस्ट को पकड़ लेती है लेकिन कानूनी कमियों की वजह से उसको छोड़ना पड़ जाता है। तो इन सारी चीजों को धीरे धीरे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 370 खत्म किया गया है, इसी तरीके से और भी कानूनी अमेंडमेंट करके इन चीजों में सरकार को पावर दी जाए, आर्मी को पावर दी जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पावर दी जाए, तो ये चीजें धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएंगी। ठीक है अनिल जी, जिस तरीके से एक बार एक जमाने में JKLF हुआ करता था, यासीन मलिक ने वाकई एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था उसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा, बिट्टा कराटे जेल में है, यासीन मलिक भी इस समय जेल की हवा खा रहे हैं, कितनी जो स्थितियाँ हैं अब सुखद हो गई हैं, थोड़ी सी आसानी हो गई है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को वहाँ पर अब अपना जो अमली जामा, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उसको अमली जामा पहनाने में। पांडे जी देखिए, आपने यासीन मलिक की बात की, मैं देखिए एक ऐसा शख्स जिसने 5 जो है एयरफोर्स के अफसरों को, 73 अफसर जो बस के लिए खड़े थे उनको गोली मार के मार दिया, और वो इतना मैं कहूंगा उसने उसको सबके आगे छाती तान के कहता था कि हाँ जी मैंने किया है, और उस आदमी को इतने सालों से वो बेल के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो सरकार थी यहां पे वो कार्रवाई करना नहीं चाहती थी। अब जब ये सारा कुछ आप देखिए, जब से आर्टिकल 370 और 35 से अबॉर्गेट हो गया है और ये डायरेक्ट जो आप हालांकि एक रोष जरूर है जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कि हमारे स्टेट को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, पर मैं समझ सकता हूं कि सेंटर के जो मजबूरी है, क्योंकि अगर इसको यूनियन टेरिटरी नहीं बनाते तो फिर जो कार्रवाई अभी हो रही है वो कमी नहीं होती। तो ऐसे उसमें एक दलील दी जाती है जिसमें सरकार की तरफ से अंदर डालना और उसके ऊपर कार्रवाई चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये इसकी दलील दी जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा जब बीमारी ज्यादा वाली होती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन के दौरान थोड़ा सा दर्द होता है। बिल्कुल दर्द तो होगा, दर्द तो इनको होगा, क्योंकि देखिए ये इतने जी बोलिए आवाज आ रही है आपकी। सवाल मेरे से है या दिलीप जी से? हाँ नहीं अनिल जी आपसे। हाँ दर्द तो होगा। अब आप ऐसे है देखिए, एक इंसान जो बैठा बैठाए उसको सब कुछ मिल रहा था, आपने उसकी रोटी भी बंद कर दी, आपने उसका पानी भी बंद कर दिया, आपने उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया और उसको ये पता है कि अब मेरे को सजा होगी होगी, तो नेचुरली वो है, वो तो उसका वो उसका डर और उसका उसके अंदर तो एक चीज तो पैदा होगी और उसके तो सपोर्टर है। देखिए एक टाइम पे यासीन मलिक को कहते थे जी ये महात्मा गांधी है कश्मीर घाटी का, एक आदमी जिसने इतने लोगों को गोली मारी, 73 लोगों को गोली मारी, वो महात्मा गांधी बन गए हैं। तो वो इतने वो सिग्नेचर कैंपेन्स करा रहा था हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके, तो ये जो कार्रवाई हो रही थी ये क्यों हो रही थी? क्योंकि इन लोगों को शेल्टर मिलता था पॉपुलर गवर्नमेंट से, ये चाहे जो मर्जी कर रहे, चाहे जितने ये गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे, इन सब की जो ये है पार्टीज वाले ये सारे इनके इनको शेल्टर करते थे और इनको पुलिस को साथ में उन्होंने बताया था कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी। तो ये जो चीज अब चल रही थी, अब जब आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 के बाद में ये सब बंद हो गया तो अब पेट में तो दर्द होनी है, क्योंकि आपके सारे जो हकूक है वो एक खत्म हो गए, साथ में जो आप जो ये 2 नंबर का धंधा चला रहे थे कि एक तरफ से आप कहते थे जी हम नेशनलिस्ट हैं, हम जी हिंदुस्तान के साथ हैं, हम जी हिंदुस्तान के, और अंदर आपकी कार्रवाई यही हो रही थी। आप देखिए वो जो इनका जो यूथ का है, जो मिस्टर परे की बात कर रहा हूं मैं, वो उसको अभी तक कोर्ट उसको बेल नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ इतने संगीन आरोप है। वो देवेंद्र को भी ट्रांसफर कराने में लगा था, लोगों को
ये जो जितने ये अलगाववादी लोग हैं इनको पैसा देके अपने जो कैंडिडेट जिताने में लगा हुआ था, तो ये सारी कार्रवाई चल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी चल रही है और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान बहुत ही खास, अनिल गौर जी और दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए रविंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपको वो दौर याद होगा जब संसद में अमित शाह जी ने कहा था कि जान दे देंगे लेकिन पीओके को वापस नहीं जाने देंगे। इसी के साथ जब ये तैयारियां होती हैं किसी भी फैसले को लेकर, तो पहले ग्राउंड पर तैयारियां करनी पड़ती हैं किसी बड़े फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए इस दिशा में, और दूसरी चीज जो परसीमन होना है उसकी दिशा में वहां का लोकल प्रशासन किस तरीके की कोई हलचल कर रहा है, क्या वहां पर अरेंजमेंट हो रहे हैं, कुछ दर्शकों को बताएं। जी देखिए, लोकल प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो केंद्र सरकार को सौंपी जानी है। अलग अलग जिलों के जो डीसी हैं उनको बकायदा केंद्र सरकार ने कहा है कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, परिसीमन होना है, और इसके लिए बकायदा केंद्र सरकार की तरफ से जो टीमें आई थी उन्होंने भी पूरा जायजा लिया है, और परिसीमन होने के बाद ही चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अगर बात करें तो जम्मू संभाग के साथ जब जो चुनी सरकारें आती थी जम्मू संभाग के साथ हमेशा ही अन्याय होता रहा है, यहाँ की आवाज जो है उसको दबाया जाता रहा है, कश्मीर की बात जो है उसको बढ़ाया जाता था, वहां डेवलपमेंट के कार्य होते थे, इसको लेकर कई जो बातें हैं वो सामने आती थी। हालांकि यहाँ पर रिफ्यूजी जो लोग थे उनकी बात को नहीं सुना जाता था, उनके जो युवा थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि उनको स्टेट सब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया जा रहा था, गोरखा समाज था उसको स्टेट सब्जेक्ट जो नहीं दिया जा था, तो वाल्मीकि समाज जो 1952 में यहाँ पर महामारी फैली थी उस समय बुलाया गया था ताकि आपको यहाँ पर सब हकूक जो है जम्मू कश्मीर के दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको यहाँ के राइट्स जो है वो नहीं मिले। अब 370 और 35 से टूटने के बाद उनको यहाँ के राइट्स मिले हैं, तो परिसीमन होगा तो ये सब चीजें वहां पर रखी जाएंगी, पटल पर रखी जाएंगी। और कहा ये भी है कि जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग की सीटें कम है और कश्मीर संभाग की सीटें ज्यादा हैं, हालांकि कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो कम है, जम्मू संभाग की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे सीटें ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब परिसीमन होगा तो ये सीटें बराबर होंगी या बढ़ेंगी ये परिसीमन के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और उसी के बाद चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ दिलीप यशवर्धन जी। हमारे इस जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट कहा जाता है, और एक साथ फिर से जब मनोज सिन्हा जैसे खांटी राजनेता को वहां पर राज्यपाल बनाकर भेजा गया, क्या लग रहा है आपको, क्या फिर से जो मुकुट है उसको रीडिजाइन किया जा रहा है? भारत का मुकुट होगा क्योंकि एक कहावत है पवन जी प्रांति की, खाली पेट शैतान का घर होता है, और वहां पर जिस तरीके से लोकल पार्टीज ने नौजवानों को खाली रखा था, तो खाली रख के उन्हें वो टेररिज्म भड़काते थे, उससे वो उन्हें पैसा देते थे, और टेररिज्म ही एक तरीके से उनका कमाई का जरिया बन गया था। अब वो चीजें वहां पर खत्म हो गई, वो सारे हिंड्रेंसेस खत्म हो गए, तो अब वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, कमर्शलाइजेशन होगा, बिजनेस बढ़ेगा, लोग व्यापार कर पाएंगे, लोग 35A आर्टिकल हटाने के बाद तो वहां पर जमीनें खरीद पाएंगे, अपनी इंडस्ट्रीज लगा पाएंगे, और अब वहां के लोगों को एजुकेशन का स्तर भी बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, देश का हिस्सा मानेंगे, इन सारी चीजों से वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा, जब लोगों का डेवलपमेंट होगा तो वो अपने आप को रोजगार की तरफ लेकर जाएंगे, इन सारी चीजों से अलग हटेंगे, नौजवानों को एक रास्ता मिलेगा, वहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर के डेवलपमेंट चल रहे हैं, इंडस्ट्री को लेकर के डेवलपमेंट चल रहे हैं, टूरिज्म अगर बढ़ जाएगा, अगर ये टेररिज्म वहाँ खत्म हो जाएगा तो टूरिज्म डेवलप करेगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिल जाने से ये सारी चीजें होंगी, और हम फिर कश्मीर घूमने जाएंगे, कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है कि अगर धरती
धरती पे कहीं स्वर्ग है तो अमीन अस्तो अमीन अस्तो अमीन अस्तो, ये कश्मीर के लिए किसी शायर ने कहा था, वो सत्य है। और ये सत्य एक बार दोबारा से यथार्थ की तरफ पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा, हमारी आर्मी के सपोर्ट से, हमारे गवर्नमेंट के सपोर्ट से और वहाँ के लोकल सपोर्ट से बढ़ता रहेगा और ये एक बार फिर से भारत का मुकुट बनेगा। जो मैंने मनोज सिन्हा वाला एक आपको बीच में एलिमेंट डाला कि मनोज सिन्हा जैसे खांटी राजनेता को जब जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी गई है, कितनी आसानी और कितनी चुनौती उनके सामने इस समय बनी हुई है? देखिए, आसानी और चुनौती दोनों वहां पर बनी है। आसानी इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि वहां पर जो पुरानी गतिविधियां जिन्होंने जड़ें जमा रखी हैं वो जड़ें इतनी आसानी से हटने वाली नहीं है। लेकिन आसानी इसलिए है कि अब बहुत सारी चीजें सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसकी कमर टूट चुकी है, लीगली उनको कमजोर किया जा सकता है, उनकी फंडिंग, बहुत सारा पैसा जो हमारे टैक्सपेयर का हार्ड एंड मनी होता था वो बहुत सारा पैसा वहां पर दिया जाता था, लीगली दिया जाता था क्योंकि हमारे संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया था और वो उनका एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि वो कश्मीर के डेवलपमेंट के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी फंडिंग हर साल लें। बट एक्चुअल में उन फंडिंग का यूटिलाइजेशन कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए नहीं होता था, बल्कि एक राजघराना था, एक राजनीतिक घराना था जिसका अपना डेवलपमेंट होता था और वो डेवलपमेंट उनके इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत करता था और उनका इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा देता था और इंडिया को कमजोर करता था। मनोज सिन्हा जी के वहां चले जाने से, वो एक मंझे हुए नेता है, सारी बातों को समझते हैं, एक धाकड़ नेता है और ऐसा हिम्मती नेता जब ऐसी जगह पर जाता है तो वो एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा जी का जो धाकड़पन है वो कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए सही साबित होगा और सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। ठीक है, अनिल जी आपके पास आते हैं, जिन संगठनों पर अभी कार्रवाई चल रही है, इन संगठनों के अब जो प्रमुख हैं, इनके अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और ये कश्मीर के बच्चों को पत्थर थमा देते हैं, जाओ 200 रुपए लो और पत्थर फेंक के आओ। अब ये जो इतनी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या तस्वीर में कोई क्रांतिकारी बदलाव आ पाएगा हाल फिलहाल की बात करें तो? पवन जी, क्रांतिकारी बदलाव तो 5 अगस्त 2019 को ही आ गया था जी, क्योंकि आप देखिए उस दिन जब ये हुआ तो उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिलानी ने इतनी बड़ी कॉल दी और सबको कहा कि भैया आप जो है सड़कों पे आ जाओ, आप मजारे करो, जुलूस निकालो इसके खिलाफ। एक आदमी सड़क पे नहीं आया, वो इसलिए नहीं कि कर्फ्यू लगा दे कुछ, उसके बाद कर्फ्यू हटने के बाद भी एक आदमी सड़क पे नहीं आया और उसका नतीजा ये हुआ कि गिलानी ने अपना रेजिग्नेशन भेजा पाकिस्तान को कि जी आपने भी हमें सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं रिजाइन करता हूं। तो क्रांतिकारी तो ये स्टेप हो ही गया कि आर्टिकल 370 और 35A हटना। अब जो क्रांतिकारी चीज ये है कि देखिए उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से पंचायत, पंचायत के बाद में ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल के बाद में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो है उसकी बोर्ड की, उसकी मीटिंग, उसकी इलेक्शन कराई जी। और वो इतने तरीके से हुई कि अब वो जो थ्री टायर जो पंचायत राज सिस्टम था जो जेएनके के अंदर जे पॉलिटिशियंस लागू नहीं होने दे रहे थे वो लागू हो गया। क्यों? क्योंकि जो पैसा, देखिए जो ये दिलीप जी ने बात की, जो पैसा आता था हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, क्योंकि इस ये स्टेट इसको दे रहे थे 90% फंडिंग स्टेट सेंटर की और 10% गवर्नमेंट का, कोई भी प्रोजेक्ट होता था तो उसमें होता क्या था कि ये 10% तो अपना जो चलो वो तो अलग है, जो 90 आता था वो उसमें 90 से भी 70% खा जाते थे। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते थे ये लोग, और अभी भी जो पिछले काम किए हैं उनकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे सक रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लगा ही नहीं है पैसा, वो पैसा खा गए हुए सारे। और ये एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये सारा का सारा इसमें कहते हैं ना जो जैसे वो टर्माइट जो होती है, टर्माइट लगी हुई है, ये वो लगी हुई थी। और ये अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये इसको जो है टर्माइट को बीच में से खत्म करने के लिए, जड़ों से खत्म करने के लिए, और जब तक ये नहीं होगी तो तब तक ये चलेगी। और आप देखिए जो आपने बात कही, ये जो अलगाववादी लोग हैं इन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो आप ऐसे अंद्राबी के ले लीजिए उसके बच्चे सिंगापुर में हैं, ये तो दूसरा ले लीजिए उसके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये अपने गिलानी के, और किसी और के ये ले लीजिए उनके बच्चे यूरोप में हैं। तो
अपने बच्चे बड़े सुरक्षित और वहां पे बैठे हुए पूरे फैसिलिटी, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा यही इन्हीं से आ रहा है, वहां बड़े आराम से बैठे हैं, और मरवाने के लिए और मरने के लिए किसको आगे भेज रहे हैं? वो गरीब बेचारा कश्मीरी बच्चा जो स्कूल जाता है उसको यही जमाती इस्लामी के जो टीचर हैं वहां पे वो उनको थ्रेटन करते थे कि अगर आपने पत्थर नहीं मारे गए, आप उधर जो रोड बंद नहीं किया आपने, आपको हम फेल कर देंगे, आपको स्कूल से निकाल देंगे। तो ये उसलिए बच्चे वो जाते थे। आज आप देखिए, आज कोई नहीं पत्थर मारने वाला आया बाहर, क्यों? क्योंकि आपके सामने है, उनको पता है कि अगर हमने पत्थर उठाया तो भाई साहब हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जानी है। ठीक है, तो पहले कार्रवाई होती है। 10,000 जो है पत्थरबाजों को पीडीपी गवर्नमेंट ने छोड़ा, क्यों? और उसके साथ में उस टाइम तो बीजेपी के साथ है उनकी जो है वो छोड़ा कि इनके लिए बड़ा हमें एक सहानुभूति के साथ चलेंगे। अब गवर्नमेंट ने जो अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर निकाला है उसके अंदर बड़ा साफ कर दिया है, कोई भी बच्चा जो ये पत्थरबाजी इंसिडेंट में या कोई ऐसे इंसिडेंट्स में है उसके उसके खिलाफ रिपोर्ट्स हैं, उसको जो है उसकी सीआईडी रिपोर्ट में मेंशन होगा और उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, दिलीप जी आपके पास आते हैं, दिलीप जी आपके पास आते हैं कि जम्मू कश्मीर की चर्चा हो और कश्मीरी पंडितों का जिक्र ना हो तो अधूरा रहता है। जब ये 1990 में ये मामला हुआ, भले ही उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, अब इस समय जब राज्यपाल शासन है, क्या आपको लगता है कि क्या कश्मीर की ही किसी पार्टी की इस समय सरकार रही होती तो क्या ये जो कुछ अभी चल पा रहा है, जो सुरक्षा बल इतनी आसानी से कार्रवाइयां कर पा रहे हैं, ये कर पाते? पवन जी देखिए, जो लोकल राजनीति थी वहाँ की वो प्रो टेररिज्म थी, प्रो कश्मीर थी और प्रो एक फैमिली की तरफ थी। उनका पर्पस कभी भी जो ओवरऑल डेवलपमेंट कश्मीर का था वो कभी भी नहीं रहा था, उनका सेल्फ सेंटर डेवलपमेंट हुआ करता था। और आप देखिए कि जो आर्टिकल 35A था, आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कभी नहीं था, ये राष्ट्रपति की स्पेशल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करके वहां पर 35A इम्पोर्ट कर दिया गया था। तो आप सोचिए कि जब लोकल राजनीति वहां पर इतनी ज्यादा प्रभावी हुआ करती थी कि उसने सेंटर को भी इन्फ्लुएंस किया हुआ था, राष्ट्रपति को भी इन्फ्लुएंस किया हुआ था, तो क्या वो ऐसी कोई कार्यवाही होने देंगे जो उनके लिए खराब होती या उनको कमजोर? ठीक है दिलीप जी, 10 सेकंड में अगर एक शब्द में कहा जाए सीधे सीधे तो क्या, चलिए माफी चाहेंगे इस वक्त वक्त की कमी है, फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।